नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी के विषय में। सबसे बड़ी बात जो है इस वैकेंसी में वो ये है कि इसमें सबसे जो जरूरी चीज है एग्जाम वो नहीं होगा, केवल इंटरव्यू बेस ही भर्ती है और गवर्नमेंट जॉब है। दूसरी बात, इसमें आपका इंटरव्यू के साथ केवल मेडिकल होगा। बहुत अच्छी जॉब है, रेपुटेड जॉब है रेलवे से रिलेटेड। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए अच्छा साबित होगा जो रेलवे में जॉब करना चाहते हैं और किसी कारणवश एग्जाम की तैयारी करने में उन्हें होती है परेशानी। तो इस पूरी जॉब डिटेल के बारे में मैं आपको जानकारी यहाँ इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा, जहां आपको इसके डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा वीडियो के में, और आप क्लिक करने के बाद सारी डिटेल्स और भी अच्छे तरीके से देख पाएंगे। तो अपन इस वीडियो में बात कर रहे हैं रेलवे में निकलने वाली इस वैकेंसी की। देखिए, इस वैकेंसी में अभी तक जो भी वैकेंसियां रेलवे की आपने दी होंगी, ग्रुप डी है या फिर रेलवे का जो लोको पायलट होता है इसकी वैकेंसी है या फिर कोई और एग्जाम दिया है, तो उसमें काफ़ी सारी मशक्कत आपको करनी पड़ी होगी, काफ़ी सारी किताबें पढ़नी पड़ी होंगी और काफ़ी दूर दूर तक जा करके सफ़र करना पड़ा होगा, क्योंकि रेलवे के तो जो एग्जाम सेंटर्स हैं वो भी कई किलोमीटर दूर में आते हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर में आते हैं। मैंने काफ़ी ट्रेन्स को इतना बुरी तरीके से फिल देखा है कि वहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं होती। ऐसे में स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ता है। ये भर्ती थोड़ी सी अलग हटके है, यहाँ आपको ना तो एग्जाम देना है और ना ही कोई किताब पढ़नी है, लेकिन थोड़ी सी आपको इसमें तैयारी जरूर करनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ रेलवे की जो भर्ती है ये एक्चुअल में सुपरवाइजर के पदों पर है, और IRCTC जो है, ठीक है ना, रेलवे का खान पान संबंधी जो डिपार्टमेंट है उसमें सुपरवाइजर की ये वैकेंसी है। यानी कि आपको रेलवे में जो कैटरिंग के बाद खाना परोसा जाता है यात्रियों को, उसकी मॉनिटरिंग करनी है, उसके सारे काम काज का सुपरविजन करना है। तो है ना, जॉब तो देखो बहुत ही अच्छी है और इसमें आपको एक मुश्त पेमेंट जो है 25,000 दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इसकी क्वालिफिकेशन की, ठीक, क्योंकि क्वालिफिकेशन किसी भी भर्ती के लिए बहुत ही जरूरी होती है। तो यहाँ क्वालिफिकेशन की अगर अपन बात करें, तो यहाँ अगर अपन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको हॉस्पिटलिटी में BSc किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि बात है खाने पीने और हॉस्पिटलिटी संबंधी, मेजबानी संबंधी, तो आपको BSc इन हॉस्पिटलिटी में किया हुआ होना चाहिए, या फिर अगर आपने जो है होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है तो भी आपका यहाँ सिलेक्शन हो सकता है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की अगर अपन बात करें तो सीधी सी बात है कि आपका जो है इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के लिए एक्चुअल में इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। आप चाहें तो वेबसाइट पर पूरी डिटेल दे करके, इंटरव्यू प्लेस की जो जानकारी ले करके इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं 15 मार्च तक इंटरव्यू अभी चल रहे हैं। एज फैक्टर की बात करें तो एज फैक्टर इसमें जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 30 वर्ष रखी गई है। क्योंकि मिनिमम एज की बात करें, कई बार कुछ कमेंट मैंने देखा, सर इसकी मिनिमम एज क्या है, तो देखो मिनिमम एज का मतलब ये कि अगर आपने BSc इन हॉस्पिटलिटी में किया हुआ है या आपने MBA किया हुआ है, तो सीधी सी बात है कि आप जो है 21 साल के ऊपर हो चुके हैं। ठीक, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि मिनिमम एज आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होती है, कहीं कहीं 18 है और कहीं कहीं 21 है, लेकिन अधिकतम उम्र सीमा की ही अपन बात करते हैं ज्यादातर, तो यहाँ अधिकतम उम्र सीमा जो है वो है 30 वर्ष। बाकी जो छूट है वो एक अलग विषय हो सकता है, आरक्षण जो है वो एक अलग विषय हो सकता है, स्टेट वाइज छूट होती है, तो रेलवे में भी जो छूट दी जाती है वो आपको दी जा सकती है। लेकिन डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए, मैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट कुछ इसलिए डिटेल नहीं बताता क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, तो यहाँ आपको मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ आप इसकी डिटेल देख सकते हैं और इस जो है इंटरव्यू में शामिल होकर के एक बहुत ही शानदार, एक अच्छा कैरियर आप जो है अपना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दें। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या बिल्कुल न्यूली विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि सभी तरह की वैकेंसीज, सभी स्टेट की वैकेंसीज मैं आपके लिए यहाँ इस चैनल पर लाता ही रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।